fabulous. It's mind blowing. It's like speechless. I can't say anything about that movie because it's like all time blockbuster for sure. It's going to break all the record. That's the guarantee. How was Salman Khan? Man, you must go and watch the movie if you have not seen, because at the age of 52, he has shown his that awesome body. It's like that's fabulous. Like anybody can't do it. No one can do it that. Obviously better than Ikhtha Tiger. Obviously it's a sequel and it's like much better than Ikhtha Tiger. In real life it's like, I should not say that, but in real life also they have a good chemistry. And in movie also it's just mind-blowing. 10 stars. Thank you. Like, the critics have given 5 out of 5. So we should get 10 at least. Thank you. Salman has welcomed everyone. और डबल स्वागत किया, तो प्लीज़ गो एंड वॉच द फिल्म एज आई एम अ बिग सलमान फैन एंड ये है मेरे फ्रेंड्स की फिल्म ही, तो प्लीज़ जाइए एंड देखिए, यू डेफिनेटली गेट इट. ऑल द एक्शन सीन्स सर, ऑल द एक्शन सीन्स. सो बेसिकली द केमिस्ट्री लाइक कि फर्स्ट पार्ट में ज़्यादा अच्छा दिखाया हुआ था, इसमें इतना ज़्यादा है नहीं, बट इट्स आउटस्टैंडिंग. सो 5, एज आई सेड, आई एम अ बिग सलमान फैन, सो इट्स अ 5/5. ओके सर, थैंक यू. फिल्म बहुत ही बेहतरीन है. फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा स्लो है, बट सेकंड पार्ट पैसा वसूली. केमिस्ट्री तो सलमान एंड कैटरीना का मस्त ज़बरदस्त है और फिल्म देखने लायक है. एक था टाइगर के कंपेयर से अगर देखा जाए तो ये ही सुपर डुपर हिट होने वाली है. जी 4. Amazing movie, amazing movie, music. 1000. Amazing. Seriously. बहुत बकवास मूवी थी, ज़रा पसंद नहीं आई मुझे. सलमान खान से तो एक्सपेक्टेड नहीं था. सॉन्ग्स में नंबर 1 मूवी थी एज आ सॉन्ग परस्पेक्टिव में. अगर ओवरऑल मूवी देखा जाए तो मैं सिर्फ 2 स्टार दूंगा सर. एकता टाइगर के, अगर एकता टाइगर के कंपेरेटिव नहीं है, 2 स्टार्स दूंगा मैं. 2 गुड, वेरी गुड. जैसा एक्सपेक्टेशन था ना वैसे. टाइगर जिंदा, इनफैक्ट भाईजान जिंदा है, सलमान खान जिंदा है. आफ्टर ट्यूबलाइट आई थिंक ही इज बैक अगेन, बैक विद अ बैंग. बोथ ऑफ देम कॉम्प्लीमेंट ईच अदर अ लॉट. एक के बिना दूसरा अधूरा लग रहा है, दूसरे एक के बिना दूसरा अधूरा है. मतलब आई थिंक सलमान नीड कतरीना एंड कतरीना नीड सलमान. बोथ आर एक्सेलेंट. 5 उससे ऊपर आता है, 5 से ऊपर कुछ वो भी दे दो, लेकिन 5 out of 5 इज टू गुड, वेरी गुड. मूवी ऑसम, ऑफ कोर्स ऑसम. द मूवी वाज सुपर, माइंड ब्लोइंग. एक्शन बहुत अच्छा है, रोमांस भी अच्छा है. बोथ पेयर आर वेरी नाइस एंड आई लव यू सलमान खान ऑब्वियसली, ही इज माय फेवरेट. एवरीथिंग वाज नाइस. 5 out of 5 आई विल गिव. भाई का काम एक नंबर. ऑब्वियसली इट वॉज वेरी नाइस. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पैर है. केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है दोनों की. सॉन्ग्स आर ऑल्सो वेरी नाइस. स्वैग ऑब्वियसली 5 out of 5. सब स्टार जितने हैं उतने स्टार. अच्छी की बात, सब अच्छी की बात. क्या कौन सा गाना पसंद है आपको? सेक्स करेंगे सबका स्वाद. फिल्म वॉज रियली अमेजिंग. इट वॉज अ पावर पैक परफॉर्मेंस ऑफ सलमान खान विथ ऑल द एक्शन, रोमांस, सस्पेंस, थ्रिलर. एंड ऑल्सो द कटरीना कैफ का जो रोल था सपोर्टिंग, प्लस उनका जब आना था तब आ गए, जब जाना था जब चले गए. बोर नहीं किया उन्होंने कि अभी चलो गाना गा रहे, रोमांस कर रहे हैं. तो 10% में वो आ गए, जो काम करना था कर गए. एंड बाकी जो लाइन्स वगैरह सलमान ने कहा था कि मतलब वतन से मुझे बहुत प्यार है एंड ऑल द थिंग्स, तो उससे एक टचिंग मतलब इमोशनल फीलिंग भी अटैच हो गई. तो ओवरऑल मूवी इज़ रियली अमेजिंग. बट फर्स्ट पार्ट वो थोड़ा बेटर था थोड़ा सा, बट ये एक्शन के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा था. उठ नहीं पाएंगे आप 3 घंटे सीट से, देखना ही पड़ेगा. मूवी वॉज ऑसम. ट्यूबलाइट के एवरेज होने के बाद टाइगर इज बैक विद द बैंग और 2017 इज एंडिंग ऑन अ हाई नोट. और ये मूवी में सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि कोई छोड़ दिया है कोई चीज़. एक्शन एक्शन है, कॉमेडी है, सस्पेंस है, गाने अच्छे हैं, कंटेंट अच्छा है,
बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, सलमान नाम ही काफ़ी है, वो तो मूवी चल रही है सलमान, और इसकी केमिस्ट्री भी बहुत बढ़िया है कटरीना की। और सपोर्टिंग कास्ट में अंगद बेदी, कुमुद मिश्रा, परेश रावल, ये तीनों का बढ़िया एक्टिंग था, 5 out of 5। Excellent, fantabulous, fantastic. After 5 years, Katrina and Salman on screen, so how was it? Was great as always. बहुत दिनों के बाद दिखाई दिया। As always, they are great. After the first part, we were expecting that the second part would come soon, and this became a hit film this time. भाई का performance. Action सबसे best है, सबसे best action. बस shouting भाई करके बस shout. Entry scene is always great. Action is also great. शिकार तो हर कोई करता है, लेकिन टाइगर जैसा कोई शिकार नहीं करता। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, मूवी काफ़ी अच्छी थी, सभी का काम अच्छा था, एज ऑलवेज सलमान का और दोनों की जोड़ी एकदम इंटरेस्टिंग थी, सलमान और कटरीना की, और एज यूजुअल लाइक परेश रावल जिनकी कॉमेडी ऑलवेज एकदम हिट होती है, ओके एंड इस फिल्म से और एक मैसेज दिया है कि देयर शुड बी पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ओके एंड इफ लाइक मुझे अगर पूछा जाए रेटिंग के बारे में तो रेटिंग आई विल गिव 4.5, ओके एंड इट विल क्रॉस अ बिजनेस ऑफ मोर देन 300 crores। जैसे कि हम मान सकते हैं कि डुप्लाइट के बाद सलमान ने वापसी की या एक्शन में? यस एंड एक्शन में वापसी की है एंड लाइक ही हैज गिवन अ कॉम्पिटिशन टू कटरीना कैफ। वेलकम। डिफरेंट फर्स्ट पार्ट में सलमान खान ने एक्शन थोड़ा कम था, बट इसमें एक्शन, सॉन्ग, रोमांस सब था और बहुत अच्छी तरह से था। दैट वाज सुपर। स्वैग से स्वागत। चाहे जो आए लेके दिल में इश्क मोहब्बत, सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। फिल्म की एंट्री सलमान खान की अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत अच्छे से रिलेशनशिप निभाया इस फिल्म में। उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। लास्ट का डायलॉग याद नहीं आ रहा। हाँ, जब भी मेरे देश को मेरी जरूरत हो तो टाइगर जिंदा है। थैंक यू।